प्यारे बच्चों, है ना। आज स्वागत करते हैं आपका हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की क्लास में। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड माइक्रोमेरेटिक्स चैप्टर यूनिट नंबर 4, यानी हम बात कर रहे हैं बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर की और यूनिट है हमारा 4। और यूनिट 4 का ये लास्ट लेक्चर है माइक्रोमेरेटिक्स का। इसके पहले के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो प्लेलिस्ट पे जाकर के सीक्वेंस से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की बात करेंगे हम फ्लो प्रॉपर्टी की। तो फ्लो प्रॉपर्टी आपको पता है फ्रेंड क्या होता है कि जब किसी पाउडर को आपको क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री में कैप्सूल टैबलेट कुछ बनाते हैं, ये हॉपर होता है और इस हॉपर में आप पाउडर भरते हैं ऐसे ऐसे, और वो पाउडर क्या होता है नीचे की ओर गिरता है, फिर इसी को आप टैबलेट में कैप्सूल में जिस फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इस तरह से ये पाउडर ऐसे नीचे गिरना शुरू करता है। ये उसका रेडियस होता है आर और ये इसका एंगल होता है टैन थीटा, ठीक है, और ये होती है इसकी हाइट एच, यानी एच आर और थीटा, यानी इसको हम एंगल ऑफ रिपोज यहां से इसको निकाल सकते हैं। इसकी बात में करेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं कि फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर में, और पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी जितना अच्छा होगा वो पाउडर का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, चाहे वो टैबलेट बनाओ, चाहे वो कैप्सूल बनाओ, चाहे वो ग्रेन्यूल्स बनाओ, चाहे जो भी बनाओ, वो उतना ही बेटर होगा और उसकी वर्क इफिशियंसी बहुत अच्छी होगी, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर वही पाउडर फंस फंस के गिरेगा, कभी अचानक से ज्यादा गिर गया, कभी अचानक से कम गिरा, कभी यूनिफॉर्म फ्लो नहीं, फंस फंस के गिर रहा है, उसे पुअर फ्लो कहते हैं। तो पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो प्रकार के, एक फ्री फ्लोइंग पाउडर, एक पुअर फ्लोइंग पाउडर, ठीक है। यानी कि पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम पाउडर को दो भागों में बांट सकते हैं, फर्स्ट वन इज पुअर फ्लोइंग पाउडर और दूसरा फ्री फ्लोइंग पाउडर। अगर फ्री फ्लोइंग पाउडर है तो मच बेटर, हमको वही चाहिए। लेकिन अगर पुअर फ्लोइंग पाउडर है, पुअर मतलब क्या, ये गिर रहा है यूनिफॉर्म गिर नहीं रहा, कभी किसी कभी ज्यादा गिर गया, कभी कम गिरा, कभी फंस गया, कभी रुक गया, कभी तेज से निकल रहा है, कभी धीरे निकल रहा है, और इस तरह से जो टैबलेट बनेगी उसकी साइज वेरिएबल होगी, उसमें वेट वेरिएशन आएगा, कैप्सूल में वेट वेरिएशन आएगा, और हमारा टैबलेट कैप्सूल दोनों भी किसी भी एंगल से सही नहीं बनेगा। तो अब हमको बात करनी है कि जो हमारा पाउडर है वो पुअर फ्लो होता क्यों है, ऐसे कौन कौन से रीजन है या कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी पुअर हो जाती है। तो इसके पीछे कुल आपके 5 रीजन है फ्रेंड, इस 5 रीजन को समझते हैं। पहला रीजन है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि आपको पता है फ्रेंड दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। जब ये कोई हमारा कंटेनर के अंदर पार्टिकल भरा है, मेरी बात समझिए, अब इसमें दो तरह के अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, एक पार्टिकल पार्टिकल के बीच आपस में फोर्स लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, जिसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे, और एक पार्टिकल और कंटेनर की दीवार के बीच में फोर्स लगेगा, यानी जिस कंटेनर में पार्टिकल रखा है, पाउडर के पार्टिकल और कंटेनर की दीवार में जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच एडहेसिव, डी मतलब डिफरेंट और एडहेसिव में डी आता है, ओके। यानी कि अब आपको ये समझना है कि कोहेसिव फोर्स क्या है, कि जब दो पार्टिकल या दो से ज्यादा पार्टिकल आपस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं तो ये आपस में इकट्ठा होकर लंप बनाएंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे भाई। अच्छा, फ्लो अच्छा कब होगा, फ्लो अच्छा कब होगा जब वो अलग अलग होंगे, अगर वो चिपक जाएंगे तो फ्लो अच्छा नहीं होगा। तो पहला है कोहेशन, कोहेशन कोहेसिवनेस, ये क्या होता है, इट इज द कोहेसिव व्हेन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स या विद इन द पार्टिकल्स इज इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड कोहेसिवनेस, ठीक है। एंड ड्यू टू कोहेसिवनेस दे फॉर्म ए बल्क एंड स्टिकी नेचर एंड सो द फ्लो प्रॉपर्टी इज डिक्रीज, पार्टिकल साइज बड़े हो जाएंगे, बल्क बना लेंगे और घटेगा। दूसरा एडहेसन, आप एडहेसन बताया क्या होता है, एडहेसिव, एडहेसन बना है एडहेसिव फोर्स से, एडहेसिव फोर्स का मतलब जब ये पार्टिकल आपके कंटेनर यानी हॉपर की दीवार में चिपकने लगे, अब आपको ऐसा बनाना है कंटेनर, ऐसा बनाना है जो एकदम स्मूथ हो, एकदम फ्री फ्लोइंग हो, उसमें पार्टिकल चिपके ना, लेकिन कभी कभी पार्टिकल जो होते हैं वो चिपकने लगते हैं, तो उनके बीच जो होता है वो एडहेसन होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी पॉलिशिंग करते हैं, इसमें ग्लाइडेंट डालते हैं, पार्टिकल के साइज को वेरी करते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करके उसका चार्जेस अपोजिट चार्ज डेवलप करते हैं, ठीक है, ये सेम चार्ज डेवलप करते हैं रिपेल करने के लिए, तो ये हो गया हमारा एडहेसन। तीसरा है फ्रेंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि जिस सरफेस पे से मैं ये मार्कर इस सरफेस से गुजार रहा हूं, तो इस सरफेस का और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या है, फ्रिक्शन है। तो पार्टिकल जब स्लिप करके ऐसे ऐसे गुजर रहा है, ये पार्टिकल आप मानिए ये पार्टिकल यहां से ऐसे घूम के ऐसे 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 आ रहा है, तो ये इसकी दीवार से जब टकराता हुआ आएगा तो दीवार इसको रोकने के लिए फोर्स लगाती है, इसी फोर्स को फ्रिक्शन यानी घर्षण बल कहते हैं।
और फ्रिक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जितना ज्यादा होगा, फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। अब फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं? फ्रिक्शन को कम करने का तरीका है कि हम इसके सरफेस को स्मूथ रखें, ऐसा मटेरियल यूज करें जिसमें फ्रिक्शन कम से कम हो, जो चिकना हो, स्लिपरी हो, ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं। तो तीसरा कारण है फ्रिक्शन, जिससे कि प्रॉपर्टी यानी फ्लो प्रॉपर्टी खराब हो सकती है और पुअर फ्लो स्टार्ट हो सकता है। अगली बात करेंगे फिजिकल इंटरलॉकिंग। ये क्या होता है कि जब पार्टिकल्स के शेप इररेगुलर है, जैसे आप उसको समझिए, जैसे ये पार्टिकल इस तरह से है, स्फेरिकल है, तो इसमें क्या है, कोई भी फिजिकल इंटरलॉकिंग नहीं, ये एक दूसरे को सरफेस को टच कर रहे हैं बस। लेकिन अगर कोई पार्टिकल का शेप ऐसा है, कोई पार्टिकल का शेप ऐसा है, तो अब ये पार्टिकल आपस में कैसे फिट हो सकते हैं? देखिए, ये पार्टिकल यहाँ से उठेगा और आ करके ऐसे यहाँ पे घुस जाएगा, फिर छोटा वाला पार्टिकल यहाँ घुस जाएगा, तो ये आपस में इंटरलॉक हो रहे हैं। जैसे आपने सड़क देखी ना, इंटरलॉकिंग की सड़क बनती है, एक दूसरे पे लॉक हो जाता है, तो ये एक दूसरे पे इस तरह से फिट हो जाएगा कि लॉक हो जाएगा। जब इंटरलॉकिंग हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल बहुत बड़े हो जाएंगे, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफी बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स काम करेगा जो इसको इंटरलॉक करना है। और जब इंटरलॉकिंग होगी, यानी कि जब मटेरियल हमारा पार्टिकल इररेगुलर शेप का है, कोई फिक्स शेप नहीं है, तो उस केस में इंटरलॉकिंग ज्यादा हो सकती है। इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? फिजिकल, हम पार्टिकल के सरफेस को या पार्टिकल के शेप को चेंज कर दें, उसको छोटा कर दें, पार्टिकल के शेप को चेंज कर दें। जब शेप को हम बदल सकते हैं, पार्टिकल साइज रिड्यूस कर देंगे, तो उस केस में हम फिजिकल इंटरलॉकिंग को रोक सकते हैं। तो लास्ट वन इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मैंने बताया था क्या होता है, कि जब आप पाउडर को फ्लो कर रहे हैं तो जो ये हाई हिप बन रहा है, ये क्या है हमारा हिप, पाउडर गिर रहा है, तो जो हिप की हाइट एच है, ये एंगल जो है थीटा है, और रेडियस क्या है आर, इनके बीच रिलेशनशिप होता है थीटा इक्वल टू टेन एच बाई आर, थीटा इक्वल टू टेन एच बाई आर, ये एंगल ऑफ रिपोज है। यानी कि रेडियस ज्यादा तो एंगल ऑफ रिपोज कम, और यानी कि जब पाउडर ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा तो खूब दूर तक फैलेगा, जब दूर तक फैलेगा तो उस केस में रेडियस ज्यादा होगा, और जब पाउडर कम फैलेगा तो एक ही जगह पे इकट्ठा होगा, यानी हाइट बढ़ेगी। यानी जब हाइट बढ़ेगी तो पाउडर का फ्लो खराब है, और रेडियस बढ़ेगा तो पाउडर का फ्लो अच्छा है। यानी इस केस में आर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिपोज घटेगा, और h बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिपोज बढ़ेगा। यानी एंगल ऑफ रिपोज हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एंगल ऑफ रिपोज डिसाइड करता है कि किसी भी पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी कितना होगा। जी पैट में कई बार पूछा गया है कि व्हेन द रेंज इज 30 to 40, तो व्हाट इज द, है ना, 40 से 50 है तो कौन सा फ्लो है, 25 से 30 है तो कौन सा फ्लो है। तो पहले चार्ट याद कर लेते हैं। 25 से कम है रेडियस, अगर यानी एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू 25 से कम है तो एक्सेलेंट फ्लो, यानी सबसे बेस्ट फ्लो। अगर 25 से 30 के बीच में है तो गुड, ठीक है, चलेगा। 30 से 40 के बीच में है तो सेटिस्फैक्टरी, काम चल जाएगा। 40 से 50 है तो पुअर, और 50 से ऊपर है तो वेरी पुअर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए 40 50 अगर 45 है तो क्या होगा, आपको चार ऑप्शन दे देगा, एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्टरी, पुअर। 35 है तो क्या होगा, 22 है तो क्या होगा। अब आपको ये अभी तो याद हो जाएगा, आसान है, लेकिन इसको आप बाद में भूल जाएंगे। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करना। आप एंगल ऑफ रिपोज को समझिए कि आप मई जून के महीने में बैठे हैं, जेठ की गर्मी है, बैसाख की गर्मी है, और आपको टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करना है। अब आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर उसका टेम्परेचर वहां पे चल रहा है एसी, और टेम्परेचर 25 से है कम, तो आपको एक्सीलेंट फीलिंग आएगी। अरे वाह, आप तो लेट के व्हाट्सएप चलाएंगे, लेट के फेसबुक चलाएंगे, पूरी जलवाई जलवाई टिकटॉक बनाएंगे, एक्सीलेंट। लेकिन जैसे एसी बंद करोगे और टेम्परेचर 25 से 30, यानी एसी बंद किया लेकिन कमरा अभी भी ठंडा रहेगा, एसी बंद करने में ठंडा रहता है, टेम्परेचर 25 से 30 है तब भी आपको बुरा नहीं लगेगा, गुड, आप कहेंगे ठीक है, सही है, टेम्परेचर दिक्कत नहीं। अगर आपका एसी पूरी तरह से बंद है, केवल फैन चल रहा है, और टेम्परेचर 30 से 40 के बीच में, तो अब आप बैठ सकते हैं, यानी सेटिस्फैक्ट्री है कि चलो ठीक है, इतना टेम्परेचर झेल लेंगे, थोड़ी सी दिक्कत है, पसीना वसीना हो रहा है, पानी पीते रहेंगे, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक है। लेकिन अगर पंखा भी नहीं है और टेम्परेचर 40 से 50, भयंकर तप रहा है पूरा कमरा, आप कहेंगे यहाँ जीने लायक नहीं है, बहुत खराब स्थिति है, पुअर। और अगर वही कमरा ऐसा हो कि टीन की सेट हो, टीन की छावनी हो, एकदम गर्म तप रहा हो, 50 से भी ऊपर टेम्परेचर, अब आप तो बैठ ही नहीं पाएंगे, वेरी पुअर। अगर आप इसको टेम्परेचर के दिमाग में रख के इसको याद करेंगे ना, तो आपको ये चीजें याद रहेगी कि आपको कंडीशन कैसा फील हो रही है, ट्रिक है आपको कैसे याद करना है। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में है फ्रेंड, कि अगर किसी भी ड्रग की पुअर फ्लो प्रॉपर्टी पुअर है तो उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे 5 रीजन था आपके फ्लो खराब होने का, वैसे ही 5 रीजन है फ्लो को सही करने का।
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था, अब मैं आपको हेडिंग वाइज बताता हूँ आपको एग्जाम में जो लिखना रहेगा। पहला है अल्टरिंग द पार्टिकल साइज। मैंने कहा जैसे पार्टिकल साइज इरेगुलर है, मैंने बताया था इंटरलॉकिंग हो रही है, अगर इस पार्टिकल साइज को अल्टर करके हम सारा स्फेरिकल कर दे या क्यूबिकल कर दे, तो पार्टिकल साइज को हम अल्टर करके या छोटा करके, भाई बड़े बड़े पार्टिकल साइज है उसको रिड्यूस कर दे, उसके शेप को बदल दे, तो उसके यानी जहाँ पे हम साइज की बात कर रहे हैं, बड़े पार्टिकल को छोटा कर दिया जाए, पीस के पार्टिकल साइज को छोटा बड़ा कर दिया जाए, उस केस में अल्टरिंग करने पर भी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ेगी। दूसरा, रिमूवल और एडिशन ऑफ फाइंस। देखिए फाइंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि मान लीजिए कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं, अगर उस बड़े पार्टिकल्स में फ्लो में दिक्कत आ रही है, तो जब आप छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल देते हैं ना इनके बीच में, तो इन छोटे पार्टिकल्स को फाइंस कहते हैं। अब ये फाइंस क्या करते हैं कि इस पार्टिकल के बीच में जब ये टकराएंगे तो यहाँ पे रगड़ खा के वो सरकते हैं, यानी जो फाइंस है ना ये काम करते हैं पहिया का। ये किसी को आप इस तरह समझिए कि आप कहीं चल रहे हैं और आपके पैर के नीचे कांच आ जाए, कांच की गोलियां, तो आपका जब पैर से पड़ेगा तो आपका पैर स्लिप कर जाएगा और आप गिर जाएंगे। उसी तरह से पार्टिकल जब छोटे पार्टिकल की सरफेस पर टकराते हैं तो वो स्लिप करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ये तो हो गया एडिशन। वेरी सॉरी, रिमूवल का मतलब क्या है, जब पार्टिकल्स हमारे बहुत छोटे छोटे हैं तो ये क्या कर सकते हैं, ये चोक कर सकते हैं, तो इनको छोटे पार्टिकल्स को निकालना रिमूवल ऑफ फाइंस है और बड़े पार्टिकल में छोटे को मिलाना एडिशन ऑफ फाइंस है। जैसे कि आपको याद होगा आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें जो कैरम के साथ स्ट्राइकर होता है और गुटियां होती है, जब आप पाउडर डाल देते हैं बोरिक एसिड का तो वो फाइन पार्टिकल्स होता है, वो पार्टिकल जब गोट के नीचे पड़ता है ना तो गोट बहुत तेज सरकती है, तो इसीलिए लोग डालते हैं कैरम में बोरिक पाउडर, वो फाइंस का काम करता है। ठीक है, अल्टरिंग द पार्टिकल शेप, मैंने बताया था ना कि अगर पार्टिकल इरेगुलर शेप का है तो इंटरलॉकिंग होगी, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम पार्टिकल के शेप को चेंज कर दे, स्फेरिकल बना दे, स्क्वायर बना दे, उस केस में भी हम लोग फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं। रिमूविंग मॉइस्चर, भाई अगर कोई पार्टिकल गीला हो गया तो आपको पता है वो चिपकेगा, वो नीचे फ्लो नहीं करेगा, तो हमको उसको ड्राई करके अच्छी तरह से उसको ड्राई कर दे, उसके मॉइस्चर को रिमूव कर दे, इन दैट केस में इसको हम अच्छा बना सकते हैं। एंड एडिंग ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो स्लिपरी होता है, चिपचिपा होता है, अक्सर टैबलेट बनाने में क्या रहता है, तो इस पाउडर में जब ग्लाइडेंट डाल देंगे तो हॉपर के साथ बहुत तेजी से बहुत अच्छी मात्रा में फ्लो करेगा। ये था हमारा एडिंग ऑफ ग्लाइडेंट। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में फ्रेंड हम लोगों ने यूनिट 4 खत्म कर लिया है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेरे पास सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने खत्म कर लिया है। अब एक चैप्टर रह गया है यूनिट 5, उसको खत्म करूंगा। कोलोजी में एक टॉपिक रह गया 5 में, मेडिसिनल का बचा है 5, ऑर्गेनिक का बचा है 1 यूनिट, और इसका हम लोगों ने लगभग सिलेबस खत्म कर लिया है। तो अब हम लोग एक ही लेक्चर बचा है, एक यूनिट 5, उसको भी बहुत जल्दी खत्म करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।